हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन पर पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको गूगल सर्च में जाके NSDL पैन कार्ड लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद पहले वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन करना है। उसके बाद आप इधर जाके न्यू पैन कार्ड जो 49 पेज है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, सी कुमारी जो भी हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट में जाके मिडिल नेम है। तो ये आपको ध्यान से देखना होगा, लास्ट नेम पहले, सर नेम उसके बाद आपका नेम, उसके बाद मिडिल नेम लिखना होगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, उसके बाद ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद नीचे आके आपको बॉक्स में टिक करना है, ये वाला बॉक्स में। तो टिक करने के बाद आपको नीचे आके एज इट एज कैप्चा आपको सबमिट करना है, लिखना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको टोकन मिल जाएगा। उसके बाद आप कंटिन्यू विद पैन मैच को आप ओपन करिए, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप देखिए इधर तीन तरह का ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन है इसमें आपका आधार कार्ड के जो फोटो है उसी हिसाब से आपका पैन कार्ड आएगा। और मिडिल में है जो इसमें आपको आपका हिसाब से फोटो वगैरह सिलेक्ट करते हैं। लास्ट में इसमें आपका फिजिकल सबमिट करना है, तो आप मिडिल वाला चूज कीजिए। और इसमें आपका आपके हिसाब से आप फोटो वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो सिग्नेचर। उसके बाद आप नीचे जाइए। नीचे जाने के बाद आप इधर देखिए जो ऑप्शन है, तो इसमें आपको यस करना है। यस करने के बाद आप नीचे आइए। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट है, उसको सबमिट करना है। तो इसमें आप आपका आधार कार्ड का सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आपको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आके आप देख सकते हैं इधर फादर्स नेम। तो फिर से आपको वैसा ही आपको देना है, सर नेम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। उसके बाद आपको मदर नेम आपको जरूरत नहीं है, उसको नीचे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका ये जो ऑप्शन है आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। सैलरी है, अगर स्टूडेंट है तो नो इनकम और स्टूडेंट सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर जाके एड्रेस, रेजिडेंसी एड्रेस सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका फ्लैट नंबर, डोर नंबर, जो आपका एड्रेस है प्रॉपर है, जो ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। ध्यान से लिखना होगा क्योंकि इसी एड्रेस पर आपका जो पैन कार्ड है वो डिलीवरी होगा। उसके बाद आपका कंट्री कोड है उसको सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपको नो पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। करने के बाद आप इधर देख सकते हो नीचे आपका ये कोड सिलेक्ट करने के बाद आप इंडियन सिटीजन सिलेक्ट कीजिए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद सिटी आप इधर सिलेक्ट कर लीजिए। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो। उसके बाद आपको वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है। वार्ड नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डिटेल्स है वो आपका सामने तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और आपका एड्रेस भी आपको सामने फिल हो जाएगा तो आप नीचे आ जाइए और आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद देखिए फिर से एक ऑप्शन ओपन हो गया। तो इसमें आपका जो एड्रेस है सबमिट करना होगा, तो आपको जो भी एड्रेस के हिसाब से देना होगा वही एड्रेस प्रूफ सबमिट करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड है। तो आपको तीनों पे सेम ही प्रूफ सबमिट करना होगा। इसके लिए आपका आधार कार्ड का एक ही पेज में जो फोटो है वो वाला आप सबमिट कीजिए। उसके बाद आप नीचे आइए, इसको सिलेक्ट कीजिए और आपके हिसाब से आप सब कुछ डालिए, आपका कहाँ एड्रेस है वगैरह वगैरह सब कुछ आपके हिसाब से डालिए। उसके बाद आप देख सकती हैं इधर आपका फोटो डालना है और इसके बाद आपका सिग्नेचर डालना है।
तो फोटो आपको जो फोटो चाहिए वही फोटो डालिए आप, और सिग्नेचर भी आप कई सबसे डालिए। और जो फोटो है वो 200 किलोमीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं इधर जो आधार कार्ड का जो ऑप्शन है वो आपको PDF फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर दे सकते हो, उसके लिए आपको मिनिमम 200 आएगा। उसको नेक्स्ट करने के बाद आप इधर आप फर्स्ट एड जो आधार कार्ड का नंबर है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आप सब कुछ सेट कर लीजिए, चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद आप एकदम नीचे चले जाइए स्क्रॉल करते हुए, वीडियो बड़ा होने वाला है कोई बात नहीं। तो आप नीचे आके आप इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको 106 रुपया का पेमेंट करना होगा। तो उसके लिए आपको उसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप इधर देख सकते हैं 106 रुपया है, उसको नीचे आके ए बॉक्स में आपको क्लिक करना है, टिक मारना है। टिक मारने के बाद आप नीचे जाइए और प्रोसेस टू पेमेंट में क्लिक कीजिए। तो प्रोसेस टू क्लिक करने के बाद आप देख सकते 106 रुपया पेमेंट करना होगा। इसके लिए आप आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, QR स्कैन, आपके हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका फ़ोन में OTP आएगा। उसके बाद आप OTP आप बैठाइए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो नीचे एकदम स्क्रॉल करते जाइए और टिक मारिए, और आप नीचे जाके ऑथेंटिक जो ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको OTP ऑथेंटिकेशन OTP में क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद आप इसमें OTP सबमिट करिए। सबमिट करने में कंटिन्यू इसमें आपको क्लिक करना है। तो इसमें क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो आपका जो आधार नंबर है वो आपको इधर डालना होगा। टिक मारने के बाद तो उधर आपका जो आधार नंबर है वो डालिए। उसके बाद आपका आधार नंबर के साथ जो नंबर लिंक है उसके फोन में वही नंबर पे OTP आएगा। तो OTP आपको सबमिट कर देना है। तो आप OTP को सबमिट बैठाइए और आपको OTP सबमिट कर देना है। सबमिट करने देने के बाद आपका फाइल ओपन हो जाएगा। तो इसके लिए आपका जो पासवर्ड है ये आपका दिन, महीना और ईयर, आपका डेट ऑफ बर्थ आपका पासवर्ड है दिन, महीना और ईयर। तो उसके बाद आप देख सकते हो ओपन हो जाएगा आपका, और आपका जो ऑनलाइन पे अप्लाई किया था एप्लीकेशन, तो आपका जो आधार पैन कार्ड है वो 7 to 15 days के अंदर आ जाएगा। तो यही था वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।